आदरणीय आज नए बने मुजफ्फरनगर के एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट ग्रोवर साहब, सुदर्शन जी, मिनोरिटी कमीशन के जो अभी मेंबर बने हैं सरदार साहब, मेरे साथ आए हुए गर्ग साहब, और वो हमारे बहादुर, मैं अभी जवान ही कहूंगा, जिन्होंने 71 की जंग, 65 की जंग, हर युद्ध के अंदर मौत का कफन बांध करके भारत माता की सेवाओं की रक्षा की, उनको मैं सलूट करता हूं। सामने बैठे और एक मेरी छोटी बहन बांसल जी, जब वो अपना एक हुनर दिखा रहे थे, अभी लड़का अंदर लड़का होगा, तो मेरी आंखों में पानी आया। तो मैं अपने शरीर की तरफ सोचने लग गया, मेरे शरीर के अंदर भी पता न कितने किलो लोहा, जिनके सहारे, रॉड के सहारे चलता हूं, मुझे पुराने दिनों की उन बम्बों और गोलियों की याद आई। जिंदगी तो मेरी बोनस है, मैं तो मर चुका, मैं तो बोनस की जिंदगी में हूं, बार बार मर के जन्म लिया है, मैं तो कब का मर चुका, पर अभी जो चलता हूं, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, मैं संभल के चलूं और भगवान की कृपा से, आपकी दुआओं से चल लेता हूं। पर जब उस अपनी बहन को देखा तो मुझे सोचने पे मजबूर हो गया, कैसे बैठती, कैसे उठती, कैसे इस राष्ट्रभक्ति के गीत के अंदर, एक उस राष्ट्रभक्ति के नशे के अंदर जो उन्होंने अपना हुनर और कर्तव्य दिखाया। याद रखना, आपको शायद महसूस नहीं होगा, जिसको दर्दें होती हैं, जिसको तकलीफ होती है, वो कुर्सी का गुलाम हो जाता है, वो दर्दों का गुलाम हो जाता है। मेरे से पूछो कितनी दर्दें होती होंगी, ये हमारे लिए तो बड़ी फख्र की बात है कि ऐसी बहन ने राष्ट्रभक्ति का गीत आपको किस तरीके से सुनाया और आपको ये बताया कि ये भगवान का जो दिया हुआ शरीर है, ये लोहे का टुकड़ा नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, भगवान ने अगर जन्म दिया है तो हमने इसको संभालना भी कैसे है। ये एक मंदिर है, एक वो मंदिर जहां रोज पूजा करते हैं, एक वो मंदिर जिसको ठीक रखेंगे तो उस मंदिर तक पहुंचेंगे, अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे। ये उस मेरी बहन बांसल ने आपको अपना कर्तव्य करके बताया है कि शरीर को ऐसे मत समझ लेना कि चलता रहेगा, भगवान ने दिया है तो इसको हमने संभालना। आज इस बच्चों के कार्यक्रम में, इन देशभक्तों के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, मैं हमेशा ऐसे कार्यक्रम में रहता हूं। कल पूना था, परसों बॉम्बे था, फिर नासिक था, फिर जबलपुर था, रात रात सफर करता हूं। मुझे नहीं समझ आती कि मैं इतना सफर उस भगवान की कृपा से टूटे हुए शरीर को लेके कर सकता हूं। रात को दिल्ली पहुंचूंगा, सुबह फिर मैं सूरत जा रहा हूं, जहां पे वहां के कुछ ऐसे अच्छे लोगों ने 200 करोड़ इकट्ठा किया है, उन शहीद परिवारों के लिए, बिंदों के लिए, जख्मियों के लिए 200 करोड़। वो कल हम जाके उन परिवारों को वहां पे उनको सम्मानित करेंगे, हम उनको देंगे। सवाल सबसे बड़ा है कि हर जिम्मेदारी वर्दी पहन के पूरी की जा सकती है? वो करते हैं, वो करेंगे, और जब जवान अपने घर से निकलता है ये कह के जरूर निकलता है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली से उतार रखी है। पर उसके अलावा क्या पॉलिटिकल पार्टियां,
क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्या पब्लिक के जिम्मेदार लोग राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे? जो जवान मौत का कफन बांध करके सीमाओं की रक्षा करते हैं, इतनी कड़क धूप के अंदर, जब बंदूक के अंदर टाइगर का घोड़ा चलाना भी मुश्किल होता है, जब कड़क सर्दी के अंदर टाइगर का घोड़ा चलाना भी मुश्किल होता है, पर वो अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। कड़क सर्दी के अंदर, दिसंबर के अंदर हमारे जवान बर्फ में समाधि ले लेते हैं, क्या उनको छोड़ते हुए हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल। इंसान की जिंदगी नहीं है, इंसान के बच्चे सेफ नहीं है। सुबह बच्चा घर से निकलता है, किडनैप कर लिया जाता है और उससे लाखों की वसूली की जाती है। अगर वो चीज बंद हो जाए तो यूपी तो सोने की चिड़िया बनेगा जरूर, पर फिर का प्रश्न का नारा नहीं। भारत मां के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज वो भी नारा इन नेताओं को लगाना पड़ेगा, जो धर्म कास्ट मजहब के अंदर हमें बांटने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जिंदगी का तो फल का पता नहीं, रोज वीडियोज आती है, वायरल होती है, अरे आदमी खड़ा गिर जाता है, क्या हमारी जिंदगी 100 साल है क्या? हमारी जिंदगी 200 साल है क्या? पर इन राजनीतिक लोगों की जिंदगियां जरूर 500 साल है, जो फिर का प्रश्न के नारे देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के अंदर दीवारें खड़ी करते हैं। तो बीएसपी पार्टी बना लेता है, कोई और पार्टी बना लेता है कि हमें मुस्लिम वोट मिलेगा तो हिंदू वोट कोई और, क्या ऐसे राष्ट्र चलेगा? जब भारत गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जलियांवाला बाग के अंदर अपने सीने पे गोलियां खाई। ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना था।